दिन 14 फरवरी 2019, जगह जम्मू कश्मीर का पुलवामा, वक्त शाम के तकरीबन 3:30 बजे। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन देश ने अपने 40 जवानों को खो दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है और देश उन शहीद जवानों को सलाम कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019, यानी वैलेंटाइन डे, और समय करीब दोपहर के 3:30 बज रहे थे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का एक काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में चला जा रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही ही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और विस्फोटकों से लदी कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। उस हादसे को आज एक साल हो गया है। देश आज उन 40 जवानों को सलाम कर रहा है। पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है। उनको मैं शहीद हुए थे लगभग 40 लोग, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सैनिक थे इसके थे अपने सीआरपीएफ के सैनिक थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इनको सेना की तरह सब सुविधाएं इनके परिवारों को दी जाएगी, लेकिन आज तक उनकी तरफ कोई रुख नहीं किया केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए जो घोषणाएं की थी प्रधानमंत्री, वो पूरी की जाएं, ये हमारी मांग है। वहीं पुलवामा हमले की बरसी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीदों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले साल पुलवामा हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को मेरी श्रद्धांजलि। वे असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। वहीं राहुल गांधी ने भी शहीद सीआरपीएफ के जवानों को याद किया और इसके बाद सरकार की प्रगति को लेकर सवाल उठाए। राहुल ने लिखा, नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि अभी तक हमले की जांच का क्या हुआ, आखिर इससे किसे फायदा हुआ। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट और कांग्रेस नेताओं की श्रद्धांजलि पर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि जो कांग्रेसी एयर स्ट्राइक का मजाक उड़ाते थे, आज वही कांग्रेसी शहीदों के सम्मान की बात करते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। वो सैनिक जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया,
जिन्होंने आज़ादी के पहले जिस परंपरा की शुरुआत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान ने की थी, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना प्राणों को न्यौछावर किया इस देश के लिए, इस माँ भारती के लिए, हम सब कृतज्ञ हैं उनकी देश सेवा के भाव के प्रति। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता, ये वही नेता हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, जो कि सैनिकों की शहादत का बदला थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को नौटंकी बताया था। आज किस मुंह से वो पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए घड़ियाली आंसू रोने की कोशिश कर रहे हैं? देश की एकता, अखंडता, देश की उन्नति, सैनिकों की शहादत और मिलिट्री आर्मी की कोई भी स्थिति और राजनीति नहीं होनी चाहिए। 40 जवानों की शहादत को एक साल हो गया है, लेकिन आज भी दिलों में पुलवामा हमले का दर्द मौजूद है। वहीं आज इन जवानों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।